नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर फास्ट समाचार में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 से अरविंद जाट, जिन्होंने अपनी निर्दलीय सीट से विजय हासिल की है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने कितने वार्ड आपके वार्ड में मतदान हुआ है और कितने वोट आपको मिले हैं, कितने से जीत हासिल की आपने? तकरीबन हमारे यहाँ मतदान हुआ था 62% हुआ था। और कितने कितने वोट आपको मिले, कितने से जीत हासिल? 70 वोट तकरीबन से मेरे को जीत हासिल हुई है, कंफर्म नहीं है, एक दो ऊपर और नीचे हो सकते हैं। आपकी टकराव किससे रहा, किस पार्टी से टकराव रहा आपका? मेरी टकराव भाजपा से ही रही, सुरेश सिंह कुशवाहा जी से, और इंदु जैन भी फाइट में थी, कांग्रेस मेन पार्टी से फाइट रही। जनता ने आपको चुना, जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया है और मैं जनता से पूछकर ही सपोर्ट करूंगा, जिस भी पार्टी को करूंगा। अच्छा, निर्दलीय विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके वार्ड में, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं जो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुना? मेरे वार्ड में विकास के मुद्दे काफी हैं, जैसे कि मैंने देखा है सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो क्रिएट हो रहा है नाली का है, उसे हम भारत वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू किसी न किसी प्रकार से उसको सॉल्व आउट करेंगे। और वृक्षारोपण जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वृक्षों की कमी आती आ रही है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और रोड और बच्चों की शिक्षा, इस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा सबसे ज़्यादा। अंत में जनता को जिन्होंने आपको अपना मत देके अपना प्रत्याशी चुना है, उनको क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शीश झुका करके नमन करता हूँ, यह जीत आपकी जीत है और बस आपका आशीर्वाद बनाए रखें।